दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में iOS को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। गाइज आपने iPhone 13 Pro तो देखा ही होगा, जो भी फीचर्स आपको iPhone में देखने को मिलते हैं, जो भी स्क्रीन पर जो आपको लुक देखने को मिलता है, वो आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मेरे पास टेक्नो स्मार्टफोन है एंड यहाँ पर आपके पास चाहे कोई सा भी स्मार्टफोन, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप आसानी से आईफोन के सारे लुक और फीचर्स अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो मैं दोस्त सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफ़ी नए नए ट्रिक्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। साथ ही जो बेल आइकन बन के आएगा इसे आपको एक बार जरूर से ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाएगा। साथ ही यहाँ पर गाइस अब आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने फ़ोन का पूरा नाम लिखकर हमें ज़रूर कमेंट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास है टेक्नो स्पार्क 7, तो यहाँ पर गाइस मैंने लिखा टेक्नो स्पार्क 7। आपको भी अपने फ़ोन का पूरा नाम लिखकर कमेंट करके ज़रूर बताना है। एंड चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके लिए गाइज आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, ओके गाइज। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है टेकी जादू। यहाँ पर आप मीनिंग स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे आप सर्च करोगे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज ये जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च का आइकन मिलता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर गाइज आपको लिखना है iOS, ओके गाइज। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, तो यहाँ पर चलिए सर्च करते हैं। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर iOS से रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर आपको याद रखना है आपको कौन सा आर्टिकल ओपन करना है, वो ज़रूर से देख लेना। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंस्टॉल iOS 15। यहाँ पर गाइज आपको आना है एंड रीड मोर पर क्लिक करना है। जैसे गाइज क्लिक करोगे ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर गाइज आपको करना क्या है, इस आर्टिकल को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना है, क्योंकि जल्दबाजी अगर करोगे तो ये ट्रिक आपके फ़ोन में काम नहीं करेगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो जैसे जैसे आप पढ़ते आओगे यहाँ पर नीचे आने के बाद एक आपको डाउनलोड बटन मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से गाइज वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। काफ़ी ईजी और काफ़ी नॉर्मल साइज़ वाला एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन में 100% सपोर्ट करेगा। यहाँ पर गाइज मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है ताकि आप सभी का टाइम बच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। तो गाइज ये रहा वो एप्लीकेशन, चलिए इसे ओपन करते हैं। एंड यहाँ पर गाइज जैसे आप पहली बार इसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। आपको नीचे जो नेक्स्ट बटन मिलता आएगा उसे आपको क्लिक करते रहना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर ये आपसे परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ करना है। एंड उसके बाद जो भी परमिशंस आपसे मांगी जाएं आपको ठीक से अलाउ करना है। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है। अगर आप अपने फ़ोन की जो डिफ़ॉल्ट लॉक स्क्रीन को हटाकर इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लॉक स्क्रीन है तो आप देख लेना एक बार। यहाँ पर गाइज आपको जो दूसरा ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशंस, इसका जो काम है वो गाइज आपको यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे वो उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल सेंटर जो तीसरा ऑप्शन है वो काफ़ी मेन है, तो यहाँ पर चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी परमिशंस आपसे मांगी जाएं आपको अलाउ करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इन सभी परमिशंस को अलाउ कर देता हूँ। जैसे गाइज आप सभी परमिशंस को अलाउ कर देते हो अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पर गाइज आप अपना जो कंट्रोल सेंटर है उसे इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिल जाता है इनेबल कंट्रोल सेंटर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड ये जो कंट्रोल सेंटर है वो आपके फ़ोन में इनेबल हो चुका है, चाहो तो देख सकते हो। चलिए मैं करता हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो पैनल आपको नज़र आने वाला है। काफ़ी प्यारा पैनल है जो आप देखते ही रह जाओगे। अब आप करना चाहें तो इसका कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शंस यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से आपको कलर चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो है आपका नोटिफिकेशन पैनल दिख रहा है। यहाँ पर गाइज आपको दोनों नोटिफिकेशंस बार आपको नजर आएंगे। सबसे पहला तो जो आपका डिफॉल्ट जो नोटिफिकेशन बार है वो आपको इस तरीके से खुलता हुआ दिखेगा। अगर आप इस तरीके से क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर बैक बटन एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो मेन पेज है जो सेटिंग का वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको वॉलपेपर्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज जैसे क्लिक करोगे आईफोन में जो भी वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलते हैं
वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप चाहो तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप चलिए थोड़ा दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे गाइज हमने बैक बटन प्रेस करा, यहाँ पर देख सकते हो आईफोन का जो भी लुक है, जो भी फीचर्स हैं, आप देख सकते हो टेक्नोफोन ही है। एंड यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो भी आपको आईफोन में देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर गाइज अगर आप कंट्रोल सेंटर देखना चाहो तो देख सकते हो आईफोन वाला ही कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, 100% वर्किंग है गाइज, कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड साथ ही गाइज आईफोन वाला वॉलपेपर भी मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखा दिया। तो इस तरीके से गाइज आप इस मजेदार ट्रिक को यूज कर सकते हैं और अपने सिंपल से एंड्रॉइड स्मार्टफोन को आईफोन का लुक दे सकते हैं। वीडियो अगर गाइज आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करना, क्योंकि आगे भी गाइज आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आपको बताते रहेंगे। चलिए गाइज मैं मिलता हूं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।